मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अग्निवीर के तर्ज पर अब वन वीरों की भर्ती प्रदेश में करने वाली है। बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, नियुक्ति होगी। इतना ही नहीं, नियुक्ति के 5 साल के बाद इन वन वीरों को आगे और दूसरे वन विभाग से जुड़ी हुई भर्तियों में इनको शामिल किया जाएगा। क्या है वनवीर और किस तरीके से इनकी नियुक्ति की जाएगी, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। अग्निवीर, आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। आपको बता दें कि सेना में भर्ती के इच्छुक जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अग्निवीर जो है योजना की शुरुआत मोदी सरकार के द्वारा की गई। अब इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वन वीरों की भर्ती करने वाली है, जिसमें आपको बता दें कि आदिवासी और वनवासी युवा जो है उनकी सीधी भर्ती इसमें की जाएगी और वन विभाग से जुड़े हुए कार्य इनसे करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेना के अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगी। इसके लिए भर्ती नियम तैयार कर लिए गए हैं। इनमें वन्य जीवों की सुरक्षा का खास ध्यान रखने के लिए बाघ मित्र, चीता मित्र और हाथी मित्र भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ये भी बता दें कि वनवीर योजना के तहत हर साल 500 से भी अधिक भर्तियां की जाएगी। इसके तहत जंगल के अंदर और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीण, वनवासी और आदिवासी युवाओं की 5 साल के लिए भर्ती की जाएगी। हर साल उनका प्रदर्शन देखकर उनकी सेवा में वृद्धि की जाएगी, साथ ही 5 साल तक उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 5 साल बाद भर्ती किए गए कुल वनवीरों में से अच्छा प्रदर्शन करने वाले 30% वनवीरों को वन रक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति दी जाएगी। आपको बता दें कि वनवीर योजना के तहत लगभग 500 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। अगर मासिक मानदेय की बात करें तो 20,000 रुपये तक का मासिक मानदेय यानी कि सैलरी इन युवाओं को दी जाएगी। इतना ही नहीं, जब इनकी भर्ती के 5 साल पूरे हो जाएंगे, इनकी नौकरी के 5 साल पूरे हो जाएंगे, तब इनको वन रक्षक भी बनाया जा सकेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इसके लिए प्रावधान पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले सत्र और कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल मोहन सरकार मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लेकर वनवीर योजना लेकर आई है और उनको नौकरी देने के लिए एक और योजना एक तरीके से लेकर आई है। इस योजना को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।